Everyone, welcome to an academy class and today we will discuss on obviously बहुत ही important topic है बच्चा, आपको भी पता है आजकल सभी जानना चाह रहे हैं कि NLU का process क्या है, placement क्या है, किस तरीके का admission criteria है। तो आज हम लोग discuss करेंगे उन NLU में से एक obviously जो कि West Bengal है and I hope कि आप लोगों को पता होगा और ये सबका ड्रीम कॉलेज भी है बच्चों। तो अगर जो भी लाइव है तो आप मुझे कंफर्म करो, यस मैम आई एम लाइव। तो बच्चों एनीवन इज देयर, एनीवन जल्दी से बताइए। ओके सो आप देख सकते हो बच्चों, देखो इस फोटो को देख के तो आपको कुछ तो याद आता ही होगा, है ना। सो आपको पता है कि NLU कोलकाता को बोलते हैं NUJS, राइट। NUJS का मतलब क्या है बच्चों? NUJS ये गेट आपको विजिबल होगी बच्चों, NUJS का मतलब क्या है आप देख सकते हो, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता। ओके क्लियर है बच्चों? क्या ऑब्वियसली ये सबका ड्रीम कॉलेज है ना। हेलो सवान गेमर्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो बच्चों? सब आई थिंक सभी का ये ड्रीम कॉलेज है कि मैम ये मिल जाता तो क्या ही बात है ना, ऐसा। और अभी सारे के सारे बच्चों को पता होगा इसका प्रोसेस भी, तो ऑब्वियसली अभी जिनके जिनके क्लास में रैंकिंग अच्छी है तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होंगे। और देखो मैं आपको हर कुछ बताऊंगी, आज फर्स्ट राउंड ऑब्वियसली पहले यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। देखो वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज NUJS, राइट, वॉज एस्टैब्लिश अंडर द WBNUJS एक्ट 1999। ओके सो ये वेस्ट बंगाल एक्ट 9 ऑफ 1999 के तहत ऑब्वियसली आपको भी पता होना चाहिए ये इस्टेब्लिश हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक आप देख सकते हो 25 साल पुराना ये कॉलेज है। ये एक यूनिवर्सिटी है एज पर सब सेक्शन एफ ऑफ सेक्शन 2 एंड सेक्शन 12 बी ऑफ द UGC एक्ट 1956। और ये परमानेंट एफिलिएशन कहाँ से है बच्चों? फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस है ना वो चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के। अब बच्चों आपको क्या पता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस है वो कौन किस किस कॉलेज के चांसलर है? वो मात्र 3 कॉलेजेस के चांसलर हैं और उनमें से एक आपका NUJS है, राइट। सोचो हायर अथॉरिटी जो है, जो चांसलर है वो आपके चीफ जस्टिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड द चेयरमैन ऑफ इट्स हाइएस्ट गवर्निंग बॉडी इज जनरल काउंसिल। ओके सो मिस कोई टिप दे दो क्लास 2024 के लिए। ऑब्वियसली टिप क्या दे दूँ, टिप ऑब्वियसली आपके पास ही है बच्चों, आप बस मेहनत करो। और मैं आप छोटी सी बात बोलेंगे कि न्यूज़पेपर आपको तो छोड़ना नहीं है, राइट। न्यूज़पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और वो आपको छोड़ना नहीं है बच्चों। गॉट इट? क्लियर है सभी को? सो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बाकी तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा बच्चों, है ना। आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दो, सब अपने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ओके बच्चों सो इवन इस बार जो करंट अफेयर्स थे, जितने भी लीगल करंट अफेयर्स थे, सब कुछ आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड था, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस होनी चाहिए। गॉट इट? क्लियर है सभी को? ओके सो टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। अब बैक टू टॉपिक। अब देखो NUJS ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सभी को कॉलेजेस देखने का मन करता है ना। ओके सो ध्यान से देखना बच्चों, अब सभी के मन में ये भी तो क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैम क्या ये ऑटोनोमस लॉ यूनिवर्सिटी है कि नहीं, क्या कौन कौन से कोर्सेज ये कंप्राइज करती है, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंडर होते हैं। सो बच्चों ये एक ऑटोनोमस, आपको पता होना चाहिए, एक ऑटोनोमस लॉ यूनिवर्सिटी है जो ऑफर करती है कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ऑब्वियसली दोनों के लिए, LLM और LLB दोनों। सो लोकेटेड इन द सॉल्ट सिटी ऑफ कोलकाता, आपको पता होना चाहिए बच्चों। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स अलाइड नेशनल लॉ स्कूल्स। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफर द स्टूडेंट अ 5-year इंटीग्रेटेड BA और BSc LLB। देखो जो बच्चे मैथ साइंस से उन्होंने 12th करा होगा तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है कि BSc LLB भी होती है। तो दो तरह के LLB आप कर सकते हो, BA LLB और BSc LLB डिग्री प्रोग्राम होता है ग्रेजुएट लेवल पे और मास्टर लॉ एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये तो आपको पता ही है। हेलो केशव, केशव सेशन को शेयर कर देना थोड़ा सा। सो आप देख सकते हो बच्चों
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ना यहाँ की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाऊंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके जो मेन कैंपस है, ध्यान से देखना, मेन कैंपस ऑफ द कॉलेज ये लोकेटेड है करीब 5 एकड़ में। अब देखो सभी के मन में ये डाउट आएगा कि मैम सारे एनएलयू जो होते हैं वो 50 एकर्स, 25 एकर्स इस तरीके के एरिया में होते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है राइट। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसकी बिल्डिंग काफी अच्छे बने हुए हैं, मतलब काफी अच्छा डिजाइन करा उन्होंने। हाँ तो खाली स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन हाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने बहुत ही सही बनाया है। सो बच्चों ये सॉल्ट सॉल्ट लेक में आपको भी बताया, और ये कनेक्टेड है बहुत इजीली कोलकाता और कोलकाता एयरपोर्ट से। ये भी आपको बताना चाहिए कि एकेडमिक ब्लॉक ऑफ द कैंपस हैज एनयूजेएस लाइब्रेरी ऑब्वियसली, और सारे फुल एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस रूम्स भी है बच्चों, दो ह्यूज लेक्चर थिएटर्स भी है। सब मैं आपको दिखाऊंगी। लॉयर बनने के लिए सिर्फ क्लैट क्लियर करना पड़ेगा या फिर कॉलेज में एडमिशन करवाने हैं के लॉयर बन सकते? ओ हमें तो पता ही नहीं था कि एग्जाम क्लियर करने के बाद घर बैठने से भी लॉयर बन जाते हैं। वाह नाइस क्वेश्चन, वाह कितने इंटेलिजेंट है बच्चे, है ना, नाइस। बाय द वे सो द कैंपस ऑल्सो हैज अ ऑडिटोरियम, जिमनाजियम, देखो हर चीज है वहां पे अवेलेबल। आप अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप फैसिलिटी चाहते हो, जिम से रिलेटेड जो थोड़े से हेल्थ फ्रीक वाले बच्चे होते हैं ना उनसे उनके लिए भी ये कॉलेज बहुत ही सही है। एंड द स्टाफ एंड फैकल्टीज ऑफ एनयूजेएस सारे आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। उनके भी क्वार्टर्स आपको इसी के अंडर मिलेंगे। एनयूजेएस हैज बिल्ट इट्स ओन ऑडिटोरियम ऑन कैंपस विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, सारे मॉडर्न फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके का कैंपस का डिजाइन है। ओके ये सारे बिल्डिंग्स हैं आप देख सकते हो बच्चों, होप सो कि आपको विजिबल होगा राइट। गॉट इट? जल्दी से बताइए। देखो आपके मन में क्वेश्चन जितने भी सवाल आ सकते हैं अगर आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो बच्चों, लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूछे तब तो राइट, बच्चे क्वेश्चन पूछे तब तो बच्चों, है ना। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हाँ मेरे मन में ये डाउट है। सो वंस अगेन आप देख सकते हो ये ऑडिटोरियम हॉल है, मतलब यहाँ पे ये फुली एयर कंडीशन है बच्चों, होप सो आपको विजिबल होगा। काफी बढ़िया बना रखा है इन्होंने मूड हॉल भी राइट। सो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ऑब्वियसली इनके पिक्चर्स, ये क्लासरूम के पिक्चर्स हैं और आप देख सकते हो सब कुछ। सो अब देखो अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर डिस्कस करते हैं, है ना। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर डिस्कस करते हैं, क्या सभी रेडी हो मैम? प्लीज मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा प्लीज। देखो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, इग्नोर, ध्यान से देखना बच्चों रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। जैसे जिस बच्चों को भी अभी एडमिशन लेना है उनके मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे होंगे, है ना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके मन में। विल दैट बी अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक फॉर 2023 एनएलयू कोलकाता एडमिशन? What will be the approx closing rank? Ready? What is your rank? What is your rank? आप मुझे बताओ कि आपकी रैंक कितनी है, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आपके डोमिसाइल है वहाँ के, ये भी बता दो मुझे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हो और फॉर विच कैटेगरी, तो सब कुछ क्लियर करूंगी मैं। देखो टोटल ना जनरल में 51 सीट्स है बच्चों जनरल के लिए, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए टोटल 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो जो जनरल में 51 है ना वो जनरल मतलब बाकी सारे स्टेट्स के लिए 51 है, वहाँ के वेस्ट बंगाल डोमिसाइल जिनके पास है उनके लिए 22 है, और यहाँ पे अगर एसटी में बात करो तो 10 है और यहाँ पे एसटी में 2 है, तो टोटल यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया बच्चों, यहाँ पे 73 हो गया। फिर ओबीसी ए और बी कैटेगरी होती है तो 4 और 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल 7 ओबीसी कैटेगरी के लिए, नो डोमिसाइल जनरल 3 के। निधि आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोलकाता के बाद हाँ टॉप 5 कॉलेज में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ टॉप 10 कॉलेजेस में मिल जाएगा। तो आप लेकिन आप लास्ट के लिए तक ट्राई रखना तो शायद आपके चांसेस हो राइट। नोडो मिसाइल जनरल 3 है ओके, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम है बच्चों, तो चांसेस थोड़े से कम है टॉप 5 कॉलेज में। हाँ आप टॉप 10 के लिए देख सकते हो। ओके सो फॉरेन नेशनल्स की भी 2 सीट्स है बच्चों, एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स भी 20 है, पीडब्ल्यूडी हॉरिजेंटल 3 और 1 4 है टोटल, सुपर न्यूमरी सीट्स टोटल 2 है, और टोटल 91 सीट्स है और 41 वेस्ट बंगाल डोमिसाइल में, और टोटल जो सीट्स है वो 132 है। गॉट इट? क्लियर है सभी को बच्चों? एनीवन? सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वहां पे ना रिसर्च सेंटर भी है बच्चों, क्या है रिसर्च सेंटर है। देखो ये सारे पिक्चर्स आपको देखने, ऑब्वियसली आप अपने क्लासरूम विजिट कर सकते हो अगर किसी का ड्रीम है नहीं हमें यही करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए राइट।
Got it. सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, वहां पे रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर जेंडर रिसर्च लॉ है, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट एंड सिटीजनशिप स्टडीज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल्स इन NUJS, कौन कौन से स्कूल है NUJS में, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, वो कौन से हैं देखो, क्रिमिनल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्कूल है, द स्कूल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस लॉज, स्कूल ऑफ लीगल प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट, और स्कूल ऑफ प्राइवेट लॉज एंड कॉम्परेटिव ज्यूरिसप्रूडेंस। ओके, सो स्कूल ऑफ पब्लिक, सो दीज आर द स्कूल्स जो कि NUJS में है। ओके बच्चों, गॉट इट। अच्छा, बिकॉज काउंसिलिंग इज अ बिट एक्सपेंसिव, देयर इज नो एस्पिरेंस इन टॉप 5 फॉर मी। देखो टॉप 5 में होने के, देखो टॉप 3 में तो चांसेस बहुत रेयर है, 4 5 में एक बार ट्राई कर लेना, लास्ट वाला लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चेक कर लेना निधि, एक बार लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टॉप 5 वाला चेक कर लेना, तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। राइट निधि, क्लियर है आपको? ओके, सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होते हैं। अच्छा, वहां पे बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, आपको पता है ना। सो देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहां पे क्या है, स्टूडेंट जुडिशियल एसोसिएशन भी है बच्चों, ये एक स्टूडेंट बॉडी ऑफ द कॉलेज है। SJAS हैज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फ्रॉम द वेरियस स्टूडेंट कमिटीज ऑफ द SGA एंड एन इलेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बैचेस ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो SJA के सोसाइटी में क्या क्या होता है, मूट कोर्ट सोसाइटी होती है बच्चों, लाइब्रेरी कमिटी, मैंने आपको लाइब्रेरी के भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको लाइब्रेरी कैसी है वहां पे। सो लाइब्रेरी कमिटी भी होती है, मूट कोर्ट सोसाइटी, मैंने आपको ऑलरेडी मूट कोर्ट की सोसाइटी की भी फोटो दिखाई है, होप सो आपको विजिबल होगा। कल्चरल कमिटी भी होती है, लिटरली और डिबेटिंग सोसाइटी भी है वहाँ पे, मैगजीन कमिटी, साइबर कमिटी, स्पोर्ट्स कमिटी। अब देखो बहुत सारे ना फंक्शंस भी वहाँ पे होते हैं, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम इतना छोटा सा तो उसका कैंपस है, ये सारे होते कहाँ पे है, राइट? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आसपास मतलब जो काफी बड़ा एरिया होगा उन्हें अक्वायर करते हैं, जो भी फंक्शन फेस्टिवल्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी तरह का फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो वहीं पे होता है। जैसे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी और क्या क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर भी है बच्चों वहाँ पे। सो द लाइब्रेरी ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल लोकेशन इन द एकेडमिक ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द ग्राउंड फ्लोर और मेजेन फ्लोर ऑफ द कंप्यूटर सेंटर इन द फर्स्ट फ्लोर, और ये सिटिंग अरेंजमेंट टोटल 300 यूजर्स वहाँ पे एक बार में यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, विद अ सेपरेट ग्रुप डिस्कशन रूम भी है वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द मेन रीडिंग हॉल एंड एडिशन रीडिंग रूम। सो द लाइब्रेरी एंड द कंप्यूटर सेंटर होस्ट अबाउट 70 कंप्यूटर्स विद दिस क्लाइंट एंड टर्मिनल्स इन एन कंप्यूटिंग सिस्टम, और जो लाइब्रेरी कलेक्शन होता है वो 20,000 टाइटल्स हैं और ओवर 6,500 बाउंड वॉल्यूम ऑफ जर्नल्स है वहाँ पे। लाइब्रेरी में टोटल 100 प्रिंट जर्नल है मैगजीन्स के, और 13 न्यूज़पेपर भी आपको मिलते हैं। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि आपको लाइब्रेरी से भी मिल जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, वहाँ के हॉस्टल में थोड़ी से इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग में, वो आपको जैसे जस्ट लाइक फ्लैट होता है ना, वहाँ पे एक एक फ्लैट में 2 BHK का फ्लैट होता है, वहाँ पे सीट्स अलॉट किए जाते हैं, टोटल आता है हॉस्टल। सो तो आई एम स्टिल नॉट क्लियर अबाउट द फी स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली, आप प्लीज फर्स्ट फुल ईयर फी ब्रेकअप बता दीजिए एंड काउंसिलिंग के टाइम कितना अमाउंट जाएगा। श्योर है यू आर फॉर मतलब आप क्या NLSIU की फी के बारे में पूछ रहे हो या NNU कोलकाता के बारे में पूछ रहे हो, मतलब NUJS के फी के बारे में जानना है आपको, आप मुझे बताना। NUJS के बारे में, ओ आपको मतलब कोलकाता में एडमिशन लेना है, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस बाय द वे। अभी पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए आपकी काउंसलिंग, उसके बाद फी आपको जानना है ना। अच्छा आप मुझे बताओ कि NUJS में एडमिशन के प्रोसेस तो सभी को पता है, ठीक है सभी को पता है, लेकिन मुझे बताना बच्चों कि एडमिशन फी एग्जैक्टली, अभी तो पहले आपके काउंसलिंग होंगे, आपने अगर क्लियर करा, आपकी रैंक अगर अच्छी है
तो आप देखो, मैं आपको फी टोटल बताती हूँ कि अगर आप फी फर्स्ट टाइम आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो अप्रोक्स कितना होगा बच्चों, टोटल अराउंड अगर आप ऐड करोगे, टोटल अराउंड अप्रोक्स समथिंग 1.5, 1.25 अप्रोक्स, 1.25 के अप्रोक्स रखना फी, मतलब चेक कर लेना एक बारी कि स्टार्टिंग में 1.5 के अराउंड, 1.5 लाख के अराउंड फीस उनके होंगे। एडमिशन फी टोटल आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर के जो होते हैं वो 5,000 होते हैं, एंड देन ट्यूशन फी 73,000, तो टोटल 78,000। उसके बाद 1,200 एग्जामिनेशन फी, मतलब 24, हाँ मतलब आप याद रखना 1.5 लाख के आसपास के फीस होंगे, राइट। तो एक मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, फर्स्ट ईयर की फी बता रही हूँ आपको, फर्स्ट सेमेस्टर की, जो स्पेशली न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, राइट, 1.5 लाख के अराउंड होगा बच्चों। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो अकोमोडेटिंग 294 स्टूडेंट, एंड द गर्ल्स हॉस्टल कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेटिंग 251 स्टूडेंट। रेसिडेंशियल स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विद स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंक्लूडिंग ऑन एसी जिम और अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। हॉस्टल्स आर प्रोवाइड विद इंटरनेट एक्सेस एज वेल एज वाईफाई कनेक्टिविटी। ये सारी तो ऑब्वियसली कॉमन सी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आप प्लीज फुल ईयर की फी बता दीजिए। शौर्या, जो आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होगा ना, फर्स्ट ईयर में मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट ईयर में आपको टोटल जो पे करना होगा वो करीब कितनी बताऊँ मैं ऐड करके 73, 78 एंड 80, 80 एंड, हाँ मैंने बताया ना 1.7 के करीब में जाएगा, चेक कर लेना। 1.7 to 2 लाख रखो। अब एग्जैक्ट फी अभी की क्या चेंज हुई है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 1.7 लाख to 2 लाख आप रखना फी, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों कि यूनिवर्सिटी हैज अ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटी में शेड्यूल लास्ट में। ओके सो अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है, ओके मैम। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो ये हॉस्टल्स के पिक्चर्स मैंने निकाले थे, तो ये हॉस्टल्स के पिक्चर्स है बच्चों। लाइब्रेरी बहुत बढ़िया डिजाइन करा है उन्होंने, होप सो आपको लाइब्रेरी के भी फोटोज विजिबल होंगे, गॉट इट। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे फेस्टिवल्स भी होते हैं बच्चों। इट इज द एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑफ एनयूजे आउटलॉर्ड। इट इज द 3 डे कल्चरल फेस्ट होस्टिंग द मिलांग ऑफ म्यूजिक, आर्ट, थिएटर एक्सेट्रा। और इन एडिशन टू दीज दे आर परफॉर्म बाई द वेरी रिनोड आर्टिस्ट लाइक एग्नी, पेंटाग्राम, अद्वैता, जंकयार्ड ग्रुप। दीज आर द रिनोड आर्टिस्ट ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस दिया है, जिन्होंने दिए हैं यहाँ पे इनविक्टा। ये एक एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है बच्चों एनयूजेएस का, विच हैज 12 फॉर्मल इवेंट। अच्छा अब आपके मन में ये आ रहा है कि मैम प्लेसमेंट क्या रही है वहाँ की, राइट। प्लेसमेंट के लिए सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मतलब सभी सभी बच्चों को जानना है मैम कि आप मुझे बता दो कि प्लेसमेंट क्या है, मतलब कैसा रहता है वहाँ का प्लेसमेंट। सो आपको इनविक्टा आउटलॉर्ड के बारे में तो बता दिया, फेस्टिवल्स होते रहते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट भी होते हैं। सो अब प्लेसमेंट्स देखते हैं बच्चों। देखो प्लेसमेंट्स फिगर बैच ऑफ 2022 का मैंने आपके सामने रखा है। डोमेस्टिक लॉ फर्म में 55% लोगों ने मतलब के हुए हैं। कॉरपोरेट इन हाउस में भी आप जा सकते हो, लिटिगेशंस में जा सकते हो, इंटरनेशनल ऑफ लॉ फर्म्स में जा सकते हो, हायर स्टडीज के लिए भी बहुत सारे लोग गए हैं, ऑल्टरनेट करियर्स के लिए भी बहुत सारे गए हैं। तो इस बार का जो प्लेसमेंट रहा ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहा है। आप देख सकते हो ये सारे कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स हैं, डोमेस्टिक लॉ फर्म है जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है सभी। जैसे यहाँ पे 12 है, देख सकते हो साइरिल अमरचंद मंगला दास, 12 लोग जो हैं वो डोमेस्टिक लॉस फॉर्म में गए हैं। खेतान एंड कंपनी को दैट इज 11, ट्राई लीगल 10, एंड सराफ एंड पार्टनर्स 8, एंड AZB पार्टनर्स 7, एंड शरदुल अमरचंद मंगला दास एंड कंपनी दैट इज 4, इंडस लॉस 4, एंड लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इज इंडिया 3, सिंह एंड एसोसिएशन इज 3, एंड तलवार ठाकुर एंड एसोसिएट इज 1, स्पाइस रूट लीगल इज 1, वादिया गांधी एंड को इज 1, एंड AP एंड पार्टनर्स 1। सो दीज आर द प्लेसमेंट जो कि डोमेस्टिक लॉ फॉर्म्स में हुआ है बच्चों। इसके अलावा आप देख सकते हो कॉरपोरेट एंड हाउस में दैट इज टाटा AIG, ITC, ICICI, कॉग्निजेंट में भी प्लेसमेंट हुआ है, टोटल 4, 2, 2 एंड 1। फिर लिटिगेशन में अगर हम लोग आते हैं बच्चों,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाधवा लॉ चैम्बर्स में हुआ है लिटिगेशंस में, एक ऑब्वियसली एक स्टूडेंट्स का, KRKN एसोसिएट्स में भी हुआ है एक, और लिटिगेशन इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, टोटल 8 पर्सन रहे हैं. ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स भी रहे हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने प्रेफर करा है, एलन एंड ओवरी 1, CMS 1, बेकर्स मैकेंजी 1 और लिंक लेटर्स 1. तो इंटरनेशनल लॉ फर्म्स में भी यहाँ पे प्लेसमेंट होती है बच्चों. हायर स्टडीज के लिए भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में एडमिशन लिया है कि नहीं, IIT खड़गपुर से कर रहे हैं, नलसार में 1. सो दीज आर द हायर स्टडीज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि यहाँ पे जिन्होंने प्रेफर करा है. ऑल्टरनेट करियर्स भी होता है, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप करा, अदर बिजनेस रोल एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, अपियरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दीज आर द अदर ऑप्शंस जो कि आप ऑल्टरनेट करियर के रूप में यूज कर सकते हो, अपियरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो टोटल 6. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि प्रीवियस स्टूडेंट के बच्चों का डिटेल्स है, राइट. सो आई होप कि आपको इनके बारे में तो क्लियर हो गया होगा. तो मैं ना कुछ अनअकैडमी के बारे में भी आपको बता देती हूँ बच्चों. सो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर कोलकाता के बारे में कुछ और भी जानना है तो मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि मैम इस बार का प्रोसीजर क्या रहेगा, राइट. सो सबसे पहले आप आ जाइए अनअकैडमी के बारे में. अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट है, यूलैट एसएससी और प्रिपरेशन लेवल विद आवर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चों. होप सो आपको विजिबल होगा फॉर क्लास 2024. एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है फॉर द टॉप 500 रैंकर्स. टेस्ट डेट जो है वो 8 जनवरी को है, भूले नहीं, 11 AM को है बच्चों. इनरोल कर सकते हैं और PLI भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा कोड है मैम. आज स्पेशल क्लास है, हाँ सोनल आज स्पेशल क्लास है, 8:30 पे स्पेशल क्लास है, आप आ सकते हो वहां पे, राइट. ओके, सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अनअकैडमी रिजॉल्व 2023 अभी चल रहा है बच्चों, ये 6 जनवरी तक है. देखो इसके बेनिफिट्स उठा लो. हैप्पी न्यू प्रिपरेशन ईयर, टू गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी क्लास सब्सक्रिप्शन. हरी ऑफर वैलिड ऑन टिल January 6. ड्यूरेशन आप देख सकते हो बच्चों, प्राइस क्या लग रही है. होप सो आपको विजिबल होगा 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, एंड 1 ईयर के लिए, एंड 1.5 ईयर के लिए, एंड 2 ईयर्स के लिए, राइट. सब एंड ये आइकॉनिक के प्राइसेस है बच्चों. इसके लिए आपको कुछ नहीं, PLI भी यूज करना पड़ेगा जिसके में आपको 23% का ऑफ मिल रहा है, गॉट इट. कोई आपके MSCET के लिए GK के बैच हैं क्या? हिमानी अभी तो GK के बैच कुछ MSCET के 3 ईयर में हैं, लेकिन 5 ईयर वाले में तो नहीं है. लेकिन हाँ मैं स्टैटिक का हर रोज स्पेशल क्लास लेती हूँ, हर रोज मतलब हाँ ले लेती हूँ, तो आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो. वो कितने बजे होता है वो? आज 8:30 पे, राइट. तो 8:30 पे आप मुझे ज्वाइन कर लेना बच्चों. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास 2023 टॉपर्स, देखो ये ऑल इंडिया रैंकिंग 2 भी है, 37 भी है, 96 भी है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रैंकिंग है. और इस बार तो बहुत सारे NLU एडमिट्स है, करीब यहाँ पे तो 70+ लिखा है, मुझे तो 90+ पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएंगे जब 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 जिनका जिनका एडमिशन होगा, और इनके नीचे लिखेंगे कि उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया, राइट. होप सो आपको सारे के नाम विजिबल होंगे. ये इस बार 2023 का रिजल्ट है इस बार. और ये बच्चों अनअकैडमी क्लास 2022 लर्नर हूँ, मेरी टू द टॉप NLU, दीज आर द लर्नर जो कि लास्ट टाइम 50-40 के करीब में थे. ओके, सो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ड्रॉपर्स बैच फॉर क्लास 2024 बाय दीज एडुकेटर. होप सो आपको विजिबल होगा बच्चों. इसके अलावा क्लार आइकॉनिक प्रोग्राम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लस प्लस में मिलते हैं बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, इंडियाज बेस्ट एडुकेटर, डे लाइफ क्लासेस, लाइफ लेसन क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्सेज. आइकॉनिक में अगर आप अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना चाहते हो, सो दीज आर द प्रोसेस जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, और ये सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप, लैब सॉल्विंग, डिजाइन पैरिटी इन द क्लासेस. होप सो आपको विजिबल होगा. सो ज्वाइन योर ड्रीम NLU कॉलेज विद अनअकैडमी क्लैट, ऑक्टोबर अकेडमी काउंसिल. फॉर फर्दर असिस्टेंस कॉल अस ऑन 8585885, मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 7 PM. अच्छा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों तो आप मेरे स्पेशल क्लास में आ सकते हो, PLI इज माय कोड. जो भी नए बच्चे हैं बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप नहीं इंस्टॉल करा है तो लर्निंग ऐप जल्दी से इंस्टॉल कर लो, PLI यूज करो, ताकि आप मेरी स्पेशल क्लासेस में 8:30 पे स्टैटिक GK वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो. गॉट इट, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइए. ओके,
सो आई थिंक आपने NUJS देखा, NUJS की बिल्डिंग भी देखी है. अगर जो बच्चे भी इस बार जा रहे हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि वो NUJS जा रहे हैं. देखो नेक्स्ट बारी आपकी भी है बच्चों, आप भी NUJS के लिए ट्राई कर सकते हो. काफ़ी बढ़िया है, यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है. सो अगर आप आपको प्रोसेस जाना है कि NUJS के लिए क्या एग्जैक्टली कितने हमारी मैथ्स की, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो. राइट, सो बाय बाय.